जियो 5G स्मार्टफोन जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, जो कि कम कीमत वाला 5G फोन होगा। कंपनी ने इसे लॉन्च की तैयारी पूरी कर ली है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अपडेट इंडिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको जियो स्मार्टफोन 5G के बारे में बताएंगे कि ये कब लॉन्च होगा और जियो स्मार्टफोन 5G का मार्केटिंग रेट क्या होगा, आइए जानते हैं। जियो स्मार्टफोन काफ़ी समय से चर्चा में है कि जियो यूजर्स के लिए जियो 5G फ़ोन बाजार में उतारने वाली है और इसके लिए कंपनी ने कुछ समय पहले गूगल के साथ पार्टनरशिप की है। यूजर्स के बीच सस्ता फीचर फ़ोन और सस्ता इंटरनेट उपलब्ध कराने के बाद अब कंपनी 5G स्मार्टफोन इंडस्ट्री में तहलका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रिपोर्ट के अनुसार 24 जून को रिलायंस की 44वीं रिलायंस AGM 2021 का आयोजन किया जा रहा है। इस मीटिंग में कंपनी अपना पहला 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। रिलायंस AGM 2021 का आयोजन वर्चुअली होगा। हालांकि अभी तक कंपनी ने मीटिंग में होने वाली घोषणाओं को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन सामने आ रही लीक्स के अनुसार जियो फोन 5G का इंतजार इस मीटिंग के दौरान खत्म हो जाएगा, क्योंकि कंपनी मीटिंग के दौरान अपना पहला और सबसे सस्ता 5G फोन जियो फोन 5G लॉन्च करेगी। इसके अलावा कोई अन्य डिवाइस से भी पर्दा उठाया जा सकता है। आपको बता दें कि 5G फोन के लिए जियो ने एक दिग्गज कंपनी गूगल के साथ एक साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत दोनों कंपनियां मिलकर सबसे सस्ते 5G फोन पर काम कर रही हैं। यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि 24 जून को लॉन्च होने वाला डिवाइस जियो का पहला और सबसे सस्ता 5G एंड्रॉइड फोन होगा। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इस फोन को मार्केटिंग में 2500 रुपये की कीमत में लॉन्च किया जाएगा, जबकि मौजूदा समय में भारतीय बाजार में सबसे सस्ते 5G स्मार्टफोन की कीमत 13,999 रुपये है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस AGM में कंपनी 5G फोन के साथ ही जियो बुक लैपटॉप भी लॉन्च कर सकती है, जिसकी शुरुआती कीमत 9,999 रुपये होगी। इस लैपटॉप को कई अलग अलग वेरिएंट में लॉन्च किया जा सकेगा। साथ ही इस लैपटॉप में यूजर्स को जियो के सभी ऐप्स का फ्री एक्सेस मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कल फिर मैं ऐसी किसी वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।